नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला चिकित्सालय में जहां एक और कोरोना मरीजों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोतवाली में एफआईआर के बाद इस मामले में तीन वार्ड बॉय की संलिप्तता उजागर हुई है, जिसमें ऑक्सीजन चोरी के आरोपी ओम प्रकाश वाकरे, गोविंदा पंचेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से चोरी किए गए सिलेंडरों में से फिलहाल एक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया गया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी और मानवता को शर्मसार करने वाले इस कृत्य से और भी लोगों के नामों से पर्दा उठने की संभावना है। ज्ञात हो कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में 23 अप्रैल को D20 टाइप 8 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने का मामला सामने आया था, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने तुरंत जांच के आदेश दिए थे।